नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल जीके मारवाड़ी ट्रिक पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम रीट के प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि सेकंड लेवल के 2017 और 2015 में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से टॉप क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। और दोस्तों, एक वीडियो और आएगा जिसके अंदर लेवल सेकंड का 2012 और 2011 के प्रीवियस ईयर पेपर में से जो टॉप के क्वेश्चन है जो चारों सालों में बार बार पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे ताकि आपकी वो टाइप आपकी क्लियर हो जाए। और दोस्तों, हम बाद में रीट लेवल फर्स्ट का भी आपके सामने मैथ का पेपर रखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके जो भी सुझाव हो इस वीडियो के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। चलिए दोस्तों, अब आप वीडियो देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 80 का कितना प्रतिशत 80 है? कहने का मतलब 80 नंबर का कोई पेपर है, उसमें से आपको 80 नंबर आ गए तो आपके कितने परसेंट बनी? 100%। देख लेते हैं कैसे बनी। 80 × r% बराबर अस्सी। आर बराबर 80 से 80 कैंसिल आउट, ये भाग में इधर जाए तो मल्टीपल में 100, आर बराबर 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक टेलीविज़न विक्रेता ने 9600 की दर से दो टेलीविज़न बेचे, उनमें से एक टेलीविज़न पर 20% लाभ हुआ, दूसरे टेलीविज़न पर 20% हानि हुई, तो इस सौदे में कितनी प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, जहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम होती है वहाँ पे हमेशा लॉस ही होता है और परसेंटेज लाभ और हानि परसेंट सेम हो तो कैसे होता है? कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है। 20% मतलब 1/5, अगर 5 की कोई वस्तु थी उससे 20% लाभ यानी 6 में बेचती, 5 की कोई वस्तु थी 20% हानि मतलब 4 में बेचती। विक्रय मूल्य सेम है तो सेम करेंगे इसको, इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे, इसको 3 से मल्टीपल कर देंगे, इसको 2 से कर देंगे, 3 से कर देंगे, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, यहाँ पे 25, दोनों को मिला दोनों की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 25 और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी होगी 24। कितने का लॉस हो रहा है? एक का। कितने पे? 25 पे, 1/25 यानी 4% का लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक क्षेत्र में एक लक्ष्य को 6 मजदूर 16 दिन में पूरा करते हैं, यदि लक्ष्य 4 दिन में पूरा करना हो तो कितने मजदूर चाहिए? MDH फॉर्मूला बहुत इजी, 6 × 16 बराबर 4 × कितने मजदूर चाहिए? 4 × 16 = 24। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा? 8×5=40। अगर 40% बराबर 640 है तो 100% होता है, मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 640/40×100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4×1=4, 4×6=24, 1600, 16×100, 1600 रुपये, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है, यदि वर्ष 2016 में ये संख्या 1500 थी तो वर्ष 2018 में लक्ष्य पूर्ति होने पर विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे? यानी 16 से 18 दो वर्ष में कितने स्टूडेंट बढ़े, जबकि 2016 में 1500 स्टूडेंट थे
पहली वर्ष कितने बढ़े? 10%, 150। दूसरी वर्ष 1500 का 10%, 150। अब दूसरी वर्ष जो 150 बढ़े थे पहली वर्ष उसका भी 10% बढ़ा है, यानी 15। 150, 150, 300, 315, 315 बढ़े हैं 2 सालों में कुल मिला के। 1500 पहले थे, 315 बाद में बढ़ गए, तो 1815 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक समलम चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं 10 सेमी व 16 सेमी है। यदि समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 78 वर्ग सेमी है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको यकीनन याद होना चाहिए, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, यानी जो एच पूछी है वो। समांतर भुजाओं का योग 10 और 16 26 इंटू उनकी एच पूछी है, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें, क्षेत्रफल दे रखा है 78। ये 13 बार 13 78 से 6 बार, तो एच आ गया 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 56 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त के आधे भाग की परिधि क्या होगी? वृत्त की परिधि होती है 2πr। आधे वृत्त की परिधि पूछ रहा है तो इसका आधा हो जाएगा, तो हो गया पाई आर। रेडियस कितनी है? रेडियस 28 है। टोटल व्यास 56 सेंटीमीटर, तो रेडियस 28। पाई का मान 22/7, रेडियस कितनी है 28। 7 × 28, 22 × 4, 88 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यदि 2 घनों का आयतनों का अनुपात 27:64 है तो इनके पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? आयतन क्या होता है? एक क्यूब होता है, तो इनके क्यूब रूट है, दोनों के क्यूब रूट है, तो इनका जो भुजा आ जाएगी, वो जो घन की भुजा आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 3 और 4। पृष्ठ, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, पृष्ठ का क्षेत्रफल हमेशा ए स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9:16, तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक बेलनाकार खंभे के वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है व इसका आयतन 1848 घन मीटर है, खंभे की ऊंचाई कितनी है? एक बेलन का आयतन कितना होता है? आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr h। पाई आर स्क्वायर एच, आयतन कितना दे रखा है? 1848। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 264। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, आर बचेगा यहाँ पे, सिर्फ एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से 7 बार और 2 इधर जाएगा, तो आर बराबर आ गया 14। रेडियस आ गई 14, यहाँ से हमने रेडियस निकाल ली है। अब रेडियस 14 आ गई, आगे हल करते हैं, इसके खंभे की ऊंचाई कितनी है ये पूछा है, तो खंभे की ऊंचाई यहाँ से हम रख के देख लेते हैं। एच यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr एच बराबर 264, 2 × 22/7, आर 14 दे रखी है, एच पूछी गई है, ये 264, 7 × 2 = 14, 22 × 44, 44 × 88, एच बराबर 264/88।
ये पूरी पूरी बार 3 बार कैंसिल हो गया, तो करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से गणित की भाषा है संकेतात्मक, राष्ट्र, जटिल, वैदिक। गणित की भाषा ना राष्ट्र हो सकती है, गणित जटिल नहीं हो सकती, वैदिक, वैदिक गणित का एक मेथड है, तो गणित की भाषा हमेशा संकेतात्मक होगी। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 1/2 का दशमलव भिन्न में मान क्या होगा? बहुत ही सही, बचपन से पढ़ते हैं 0.5। कैसे 1/2.05। नहीं समझ में आए तो भाग देख के देख, 1/2 में भाग, 0.2 × 10, 0.5 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है, राजीव की वर्तमान आयु क्या है? इसे कई तरीके से हल कर सकते हैं, हम इसे जल्दी कैसे करें एग्जाम में यही देखना होता है, तो जल्दी करने का इसका एक मेथड है कि ऑप्शन देखो, ऑप्शन ऑप्शन नंबर 6 लेते हैं, अगर यहाँ पे वर्तमान आयु 6 वर्ष होगी तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु 1 वर्ष होगी, 9 वर्ष बाद में उसके 15 वर्ष होगी, 15 × 1 = 15 गुणनफल। ऑप्शन नंबर 1 फुल सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर नई परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितनी गुना होगी? परिधि होती है 2πr, यह पहली परिधि है। नई परिधि के लिए हम त्रिज्या को 1 गुना बढ़ाएंगे तो सेम वही रहेगी, 2 गुना बढ़ाएंगे तो 2 गुना हो जाएगी, नहीं 3 गुना बढ़ाएंगे तो 3 गुना, 4 गुना बढ़ाएंगे तो 4 गुना हो जाएगी, त्रिज्या को जितना गुना बढ़ाएंगे उतनी ही गुना परिधि हो जाएगी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे अगर मैं 3 से गुणा करूंगा त्रिज्या को, अगर 3 से गुणा करूंगा तो टोटली परिधि 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है, इसमें से अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? प्रैक्टिकली तौर पर ये देखा जाए कि एक कमरा है, उस कमरे में हम सबसे लंबा बांस किस तरह से रख सकते हैं, आपको इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। सबसे लंबा बांस इस तरह से रख सकते कि फर्श का एक कोना ऊपर छत के सामने वाला ये जो कोना है इसमें से ये यहाँ पे सबसे लंबा बांस रखा जा सकता है। ये एक तरह से घनाभ का विकर्ण हो गया, घनाभ का विकर्ण हो गया, घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उसका होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट। हम देखेंगे 12 का 144, 9 का 21, 8 का 64 रूट, 4 × 1 = 5, 5 × 4 = 9। यहाँ पे रूट में कुछ भी संख्या है लेकिन इकाई अंक 9 आएगा। 14 का स्क्वायर 196, यहाँ पे 6 आएगा, इनकरेक्ट। 15 का 225, इकाई अंक 5 आएगा, इनकरेक्ट। 16 का 256, इकाई अंक 6 आएगा, इनकरेक्ट। 17 का 289, इकाई अंक 9 आएगा, 17 इज करेक्ट आंसर। ये 289 हो गए, आपको भली प्रकार से समझ में आया होगा आसानी से, फॉर्मूला ध्यान होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
210 रुपए को राम और श्याम में 7:3 के अनुपात में बांटने पर दोनों के द्वारा प्राप्त धन कर्मश होंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कैसे मैं आपको समझ, टोटल राम को 7 मिले और शाम को 3 मिले, दोनों को कितने मिले 10 मिले, 10 बराबर 210, 1 बराबर 21, अगर 1 बराबर 21 है तो 3 बराबर कितने हो गए 63। 63 ए ऑप्शन में केवल अंतिम रूप में दे रखा है, बी ऑप्शन में 63 है लेकिन आगे दे रखा है, तो ए इज करेक्ट आंसर। ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गणित की प्रकृति है। गणित की प्रकृति, गणित एक तार्किक विषय है, गणित एक प्रकार से एक तार्किक विषय है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को हम कई तरह से हल कर सकते हैं। इसका समीकरण बनाओ फिर आगे हल कर लो। समीकरण को हल करने के लिए आपके पास वक्त होना बेहद ज़रूरी है, जबकि एग्ज़ाम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं आपको दो तरह से बताऊंगा कि जस्ट सेकंड देखते ही कैसे हल कर सकते हैं। मैंने इसे देखते ही मार दिया, ऑप्शन बी। कैसे, बी इज करेक्ट आंसर। कैसे मैं आपको समझाता हूँ। पहला मेथड ये है कि अक्ष और वाई का मान आप कुछ भी मान सकते हो। मैंने अक्ष और वाई का मान एक एक मान लिया दोनों में, अक्ष का और वाई का दोनों का एक एक मान मान लिया। अगर अक्ष का मैं एक और वाई का एक मानूं तो इस समीकरण का पूरे का मान कितना होगा, पूरे का मान होगा 2 + 4 - 8 - 1, 4 2 6 और माइनस के 9, तो -3। यहाँ पे ऑप्शन में हम जो एक्स और वाई का मान पहले मान चुके वही मान यहाँ पे मानेंगे। वाई का अगर एक है तो ये हो गया 5, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 1, 5 × 1 -3 नहीं है, ये करेक्ट नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में रखेंगे 1 - 4 - 3 × 2 - 1 - 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सी में रख के देखते हैं 1 - 3 - 3 × 3, यहाँ पे माइनस के 9, नॉट करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये फर्स्ट मेथड हो गया सबसे इजी, कोई भी क्वेश्चन हो आप कुछ भी मान सकते हो ऐसे क्वेश्चनों में एक्स और वाई की वैल्यू, उसी वैल्यू को जो हम क्वेश्चन में मान चुके उसी को ऑप्शन में रख के जो आंसर आए ना सेम, जैसे यहाँ पे -3 आया और यहाँ पे -3 आया, तो बी इज करेक्ट आंसर। एक दूसरा मेथड और बता देता हूँ मैं आपको, देखिए ध्यान से, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 4y + 4y - 8xy, यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ से -8xy बन ही नहीं रहा, ऑप्शन में मल्टीप्लाई 4 × 8 + 8xy बन रहा है, यहाँ पे 4 × 8 - 8xy बन रहा है, यहाँ पे भी -8xy बन रहा है, 4y + कहाँ पे बन रहा है, 4y + कहाँ पे पॉसिबल हो रहा है, यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है, यहाँ पे -4y आ रहा है और यहाँ पे +4y, हमें क्या चाहिए +4y चाहिए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आप दोनों में से कोई सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, मेरे हिसाब से जो फर्स्ट वाला तरीका था हर क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हो और गलत होने का कोई चांस नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 18, रूट 625 रूट 448, 625 कितने का होता है, 25 का होता है,
और 448 कितने का स्क्वायर रूट होता है? 22 का होता है। जबकि आपको ऐसा नहीं देखा, 5 किसका स्क्वायर करने में आता है? अगर इकाई अंक 5 होगा तो यहाँ पे 5 आएगा, अगर इकाई अंक 2 होगा तो यहाँ पे 2 आएगा। 5 और 2 इकाई अंक 7 इसी में। वैसे भी आप कर सकते हो 25 + 22 = 47। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बहुत इजी, हर किसी को पता होगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा? साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा? 2 गुना होने का मतलब है कि कोई धन एक था, एक उस पर ब्याज आ गया, तो दोनों मिला के 2 गुना हो। कैसे? मूलधन 8% की दर थी, 8 वर्ष में वो राशि 1 हो गई। 8% आर की जगह कितना रखूं कि यहाँ पे 1 आ जाए? तो सीधा सीधा दिख रहा है आर के बराबर में 12.5% को फ्रैक्शन में 1/8 लिख सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे 1/8 लिखूंगा तो ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। 8 से 8 कट जाए, 1/1। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और इसमें कोई टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, तुरंत आप देखते ही आपके दिमाग में 12.5% आ जाना चाहिए। इसमें कोई दोहराया नहीं है, कोई शक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। एक कक्षा में 54 विद्यार्थी है, यदि छात्राओं की संख्या छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी है तो छात्रों की संख्या क्या है? छात्रों की संख्या पूछी है। छात्राओं और छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है? 4:5। टोटल कितना है? 9। 9/54 टोटल विद्यार्थी, 1/6 आ गया। 9/54 तो 1/6 में पूछी किसकी है? छात्रों की संख्या पूछी, छात्रों कितनी है? 5। अगर 1/6 तो 5/6 × 5, 6×5 = 30। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।